नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास वर्कशीट 39-3-10-20 सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे ग्रामर होना चाहिए, ग्रामर के अंदर मोडाल। ठीक है, तो मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने बोल भी रखा है, डियर स्टूडेंट प्रिय छात्र, वी हैव लर्न अबाउट द मोडाल्स इन प्रीवियस वर्कशीट। बिल्कुल सही। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज ऑल दैट वी हैव लर्न अबाउट मोडाल्स। हम मोडाल के बारे में जितने पढ़ चुके हैं उसके हम रिविजन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमने पिछली वर्कशीट प्रीवियस में कहाँ से स्टार्ट हुई थी। और आपको पता ही चल गया होगा कि अब तीन तीन के फॉर्म में आते हैं, 27, 27, 3, 30। बहुत अच्छा, 30, 30, 3, 33। ठीक है, 33, 33, 3, 36। ठीक है, 36, 36, 36, 3, 39, 39। देख रहे हो, सब आपका तीन दिन के फॉर्म में ये बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आपको दिया जा रहा है, ताकि आपका सिलेबस काफी अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। तो ठीक है, तो इसमें ये देने से पहले आपको समझा देता हूँ ये वर्कशीट किस हिसाब से है। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ही पूछे हैं इस वाले में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर इसमें डायरेक्टली देने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व द पिक्चर, व्हाट मैसेज डू यू कन्वे, राइट यूज मोडल्स। ठीक है, आपको यहाँ कुछ दिए गए हैं पिक्चर, और इसको देख के आपको मोडल्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं इसके ऊपर। जैसे आप पी क्रॉस देख रहे हो, प्रियंका, पी से प्रियंका नहीं है यहाँ पे, पी से यहाँ से पार्किंग का मतलब है, यहाँ बच्चे जा रहे हैं मतलब स्कूल वगैरह है, गाड़ी स्लो चलाइए, यहाँ पे आपका ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो राइट नहीं जा सकते आप। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाने हैं, इसका नाम आप ए हम दे देते हैं, बी सी, आप ए बी सी करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट 39। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, नो पार्किंग का है, वी मस्ट नॉट पार्क हियर, हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते और नहीं, ठीक है, या हमें यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे है, वी शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल, स्कूल नियर है, यहाँ बच्चे आते जाते हैं, तो इस वजह से हमें ड्राइव है स्लोली करनी चाहिए। और तीसरा है, नहीं मुड़ सकते, यू कांट टर्न राइट हियर, आप यहाँ से राइट नहीं जा सकते। ठीक, ये आपका पहले का आंसर ये होगा, इतना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर ये है, क्योंकि लास्ट आपका ये वर्कशीट है मोडल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, रीड द सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज अ गिवन इन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे दिया गया वैसे बदलना है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, आई विल स्टडी टूडे, तो इस वाले में मे वाले में पॉसिबिलिटी में क्या इस्तेमाल करते थे, मे, आई मे स्टडी टूडे, आज मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी में आई कांट स्टडी टूडे, मैं आज स्टडी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर 1 मान लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6 नहीं दिया, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी आएगी। अब दूसरा देखो यहाँ आ गया, कैसे बनाएंगे, देखो दूसरे वाले में ये खाली है, ये खाली है, ये दे रखा है सर्टेनिटी, वी माइट बी हियर, पॉसिबिलिटी। तो आपको एक चीज बार दिखा देता हूँ, ये तीन चीजें, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो याद रखना जो भी सर्टेनिटी का होगा वो उसने देखो कह रखा है मस्ट करके बनाना है। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस में इधर बनाऊंगा मस्ट करके बनाऊंगा, कई लोग विल, कई लोग शुड और वगैरह दूसरा इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जिस प्रकार से आपके वर्कशीट में दिया गया है यहाँ पे मस्ट करके बनाना है, तो इसे मस्ट करके ही सारा बनेगा। तो एक बार सच्ची से पूछिएगा, इन्होंने ये विल करके क्यों बना रखा है, जबकि वर्कशीट 27 में सर्टेनिटी में मस्ट बता रखा है। ठीक है, वी आर श्योर अबाउट द ट्रू। ठीक है, तो विल का इस्तेमाल यहाँ पे भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जब ये तीनों चीजें हिसाब से दे रहा है। तो देखिए साइंस निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें ज्यादा आगे पीछे बात नहीं करते हैं, तो अगली बात करते हैं। तो इसने कैमरा हिल गया आराम से बस। तो दूसरा है, देखो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दो लिख के इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें लिखते टाइम काफी मेहनत लगी है आपकी बार मेरे को। ठीक है, तो सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहला दिया हुआ तो पहला आपको इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरा वाला इसने क्वेश्चन पहले दे रखा, तो हमने माइट लगा के इसे ब्लैक पेन से लिख लिया, इसे लिखेंगे ऐसे विल। देखो इन्होंने विल लगा के बना रखा, तो फिर मैंने विल लगा के बना, चलो कोई बात नहीं, हम विल लगा के बना देते हैं, ये माइट में था, और ये वाला कैन नोट में बनेगा, बनाएगा, ये भी कैन नोट में, तो इस प्रकार से मैंने सोचा ये भी कैन नोट में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जितने भी सर्टेनिटी के मैंने बनाए हैं सब में मस्ट 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 लगा रखा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हमारे जब वर्कशीट में देखे ना, मैंने जब मस्ट लगा रखा है तो हमें
विल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, देखो हम भी टीचर है, हम भी जब नौकरी की तैयारी कर रहे सरकारी की, तो ऐसे ही नहीं पढ़ने लगे, हमने भी पढ़ रखा है, कोई तुक्केबाजी में नहीं आए हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि माइनर चीजें होती हैं, टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास में थोड़ी सी छोड़ दी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी अभी स्टार्टिंग हो रही होती है। तो चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगला है, दूसरा हो गया आपका, ठीक है, तीसरे पे चलते, तीसरे का तीसरा वाला दिया हुआ था, राजीव कुड नॉट हैव मीट एनीवन, ठीक है, राजीव किसी से नहीं मिल सकता। तो आपको दिखाता हूँ पॉसिबिलिटी में, अगर इसका बनाना होगा तो पॉसिबिलिटी में देखिएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी में आप मे माइट कैन कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसका मैं फिर मैंने बनाना है तो फिर मैं का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ माइट का था, ठीक है। अब यहाँ पे कैन और कुड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो राजीव में भी मीट एनीवन, किसी वन से मिल सकता है। अब इस बार का सर्टेनिटी मैंने आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सर्टेनिटी में मस्ट लगा के बनाता था, तो आप यहाँ मस्ट लगाइएगा, राजीव मस्ट भी मीट एनीवन। देखिए यहाँ देखिएगा, जब सेंटेंस लिखते टाइम पे मैंने एवरीवन कर दिया, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एवरीवन और एनीवन में क्या आप अंतर बता सकते हैं, ए एन वाई ओ एन एनीवन ई वी ई आर वाई एवरीवन, मैंने उसको लगा एवरीवन है लेकिन देखा उसमें एनीवन था, तो एवरीवन काट दिया मैंने, आपको एनीवन ही लिखना क्योंकि क्वेश्चन में एनीवन करके ही है। तो बताइए दोनों का नाइन्थ और टेंथ में आप एक ही मतलब समझाया जाएगा, जैसे आप इलेवन ट्वेल्थ करके पास आउट होते चले जाओगे तो समझ लो आपको इन दोनों में अंतर बताया जाएगा। अगर मैं आपको अलग से बताऊं तो कई जगह आपने देखा होगा टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कई जगह टी डब्ल्यू ओ टू का इस्तेमाल होता है, दोनों का तो मतलब दो होता है, इसका भी मतलब दो होता है, इसका भी मतलब दो होता है। तो आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह इसी का इस्तेमाल होता है, कई जगह इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, कभी आपने गौर किया है दोनों अलग अलग क्यों इस्तेमाल होते हैं, एक ही जगह क्यों नहीं इस्तेमाल होते। तो आपका ये नाइन्थ क्लास का सिलेबस नहीं है तो इस पर फोकस मत करिएगा। तो कहने का ये मतलब है जिस प्रकार से आपकी वर्कशीट चल रही है मैं आपको उसी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार पे आते हैं, तो चार पे है मस्ट, देखो अब इन्होंने यहाँ मस्ट लगा रखा है, देखिए, ठीक है। तो दूसरा वाला आप यहाँ से माइट से बना सकते हैं, मे से बना सकते हैं, और इस वाले को आप कुड से बनाइएगा, ठीक है, और कुड नॉट से बनाइएगा। इम्पॉसिबिलिटी वाला बता रहा है इम्पॉसिबिलिटी कैन नॉट से और कुड नॉट से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट लगाना होता है, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, वैसे हम बना देंगे इसे। चौथा मस्ट रीड नॉट एवरीवन, क्वेश्चन दिया हुआ था ब्लैक पेन से है, मे लगा दिया यहाँ पे, वी मे बी रीड एवरीवन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन नॉट बी रीड एवरीवन, ठीक है, सॉरी एवरीडे, ठीक है। पांच नंबर पे है आपका, ये तीसरा भी हो गया, ये आपका चौथा भी हो गया, पांचवें चल रहा है, पांचवें देखो लास्ट कर दिया था, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, तो लगभग मैंने एक जैसे लिखे ताकि आपको, देखो लगभग मे, ठीक है, मैंने आपको एक जैसे लिखा है ताकि आपको पॉसिबिलिटी वाला कम से कम याद हो जाए, एक तो याद हो जाए, ठीक है। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए ये लगे, ये तो ये क्या बता रहे हैं सर, ये छोटी मोटी बात होगी, लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये बात भी बहुत बड़ी बात होती है, छोटी छोटी बात उनको ध्यान रखना भी होता है, ठीक है। तो इसे मैंने मैं लगा दिया, और इस वाले को सर्टेनिटी से किससे बनाएंगे, मस्ट, तो मोनिका मस्ट नॉट गो टू स्कूल, मोनिका को जरूर स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये पांचवें का हो गया आंसर। तो चलते हैं छठे पे, देखो लास्ट बीच वाला दिया था, गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स, देखो माइट लगा रखा है तो कोई बात नहीं, तो ब्लैक पेन से था तो माइट लगा दिया, इस वाले में आप कुड लगा सकते हैं, ठीक है, गौरी कुड नॉट मेक अ करियर, यहाँ पे आप कैन भी लगा सकते हैं, कैन नॉट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मस्ट ही लगाना पड़ेगा क्योंकि सर्टेनिटी में आपको मस्ट लगाना ही पड़ता है, गौरी मस्ट नॉट अ करियर इन आर्ट्स, ठीक है, मस्ट मेक अ करियर इन आर्ट्स, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है आपका, इमेज यू आर अ पेरेंट्स, इमेज करिए कि आप एक पेरेंट है, व्हाट अ रूल वुड यू लाइक टू मेक फॉर अ चिल्ड्रेन फॉर योर हाउस, अपने चिल्ड्रेन के ऊपर रूल रेगुलेशन शासन करने के लिए संविधान, कौन सा संविधान लिखेंगे आप, राइट इट डाउन इन अ स्पेस गिवन बिलो, नीचे स्पेस दिया गया है और उसमें आपको क्या स्पेस से पुराना है, अरे नहीं यार नियम लिख रहे हैं वहां पे, 1 2 3 नियम लिखने हैं, ठीक है, तो जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा है, तो अगर पेरेंट्स होते तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ता, तो मैं इसमें पढ़ता एवरीवन शुड वेक अप एट द 4 AM डेली, सबसे पहले मैं कहता सबको 4 बजे उठना है, ठीक, फिलहाल अभी तो मेरी आदत बिगड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी 5 बजे तो 4-5 बजे तो उठ ही जाता हूँ आराम से। फिर भी एवरी चिल्ड्रेन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर, और सभी बच्चों को अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, चिल्ड्रेन में प्ले, बच्चे खेल सकते हैं
आफ्टर फिनिशिंग वर्कशीट, अपनी वर्कशीट फिनिश करने के बाद बच्चे खेल सकते हैं। ओके, सब आपके लिए था। ओके, तो आप लोगों को खेलने कहाँ टाइम मिलता होगा, आप वर्कशीट करते करते कंप्लीट करते होगे, इतने आपकी ऑनलाइन क्लासेस आ जाती होंगी, ऑनलाइन क्लासेस खत्म करते होगे, इतने में चलो उसकी कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए, इतने फेयर कॉपी बनाते बनाते पता चला कि यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगा, यूनिट टेस्ट स्टार्ट होते होते पता चलता है कि लो ऐसे बना गया, सिलेबस कवर होते होते इतने में चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लाइफ में यही है संघर्ष है, इसी को नाम संघर्ष कहते हैं, इसे संघर्ष करिए आप लोग, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड 19, ठीक है, स्प्रेड कोविड 19 फैला हुआ है, स्प्रेड मतलब फैला होता है ना, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर स्लिमिंग्स, तो अपने आप छोटे बच्चों से, मतलब जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी कहना, जो आपके छोटे आसपास के, उनको क्या कहना चाहोगे, राइट डाउन इन अ स्पेस गिवन बिलो, नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं वहाँ पे आपको लिखना है। यूज मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एडवाइस एंड सजेशन, आपको मोडल्स का इस्तेमाल करना है किसका, ऑब्लिगेशन एडवाइस और सजेशन का, तो इस बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर आपके पास आसपास कोई कोविड 19 फैला हुआ है, सबसे पहले तो मस्ट का लगा लीजिएगा, वी मस्ट यूज मास्क व्हाइल गोइंग आउटसाइड, हमें बाहर जाने से पहले मास्क लगा लेना चाहिए, अगर नहीं लगाएंगे तो कोरोना वायरस आपको हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 500 रुपए का चलान तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोरोना मारने से पहले आप चलान बढ़ते बढ़ते, ठीक है, ऐसी तैसी हो जाती है, तो बाहर जाने से पहले मास्क लगाइए, नहीं तो बाहर पुलिस वाले आप लोगों का इंतजार भी कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वी शुड मेंटेन, ठीक है, वी शुड मेंटेन, मेंटेनेंस, मेंटेन के बाद नहीं लिखा, मेंटेन मतलब क्या, मेंटेन करना चाहिए डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस किससे, फ्रॉम पीपल, PEOPLE, ठीक है, कंप्लीट। और वी शुड वॉश आवर हैंड, हमें अपने हाथ धोने चाहिए आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स पर हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए, ठीक है, ये आपकी 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पे क्या भरना है आपको, इमेज अ फैमिली इन योर नेबरहुड, आप इमेज करिए आपके पड़ोस में कोई नेबर जो हुड है, इन द क्वारंटाइन किया गया है एट कोविड एट होम, घर पे ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से उसे क्वारंटाइन किया गया है घर में, हाउ कैन यू हेल्प देम, आप उनकी कैसी सहायता कर सकते हैं, वुड यू आस्क देम टू डू, क्या उससे आप पूछने के लिए क्या क्या मदद चाहिए, क्या उनसे पूछ सकते हैं आप, राइट इन अ स्पेस, स्पेस जो नीचे दिया गया है गिवन बिलो लिखिए योर मोबाइल इनविटेशन एंड द रिक्वेस्ट, इनविटेशन और रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, मे देखो MAY, ठीक है, लिखते टाइम देखो कितनी गलती होगी, माई हेल्प नहीं होगा तो यहाँ पे मे आएगा, तो इसे पूरा प्रॉपरली काट देता हूँ, मे लिखिएगा यहाँ पे MAY, काफी आप पोलाइटली तरीके से उसे कहेंगे, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। दूसरे पे 3 आप सेंटेंस बनाए, इजिली बना सकते हैं आप, यू कैन टेल मी, आप मुझसे कह सकते हैं, वट एवर यू रिक्वायर्ड, जो अभी आपकी जरूरत हो वो आप मुझे आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। आई कुड कैरी, आराम से, कुड का इस्तेमाल पोलाइटली वे में भी किया जाता है, कुड आई कैरी सम वेजिटेबल फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ सामान ला सकता हूँ, ठीक है, मतलब वेजिटेबल ला सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, आप अलग अलग प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास के आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक, माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।